स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज हम बताएंगे इस वीडियो में अपनी न्यू साइट के प्रोजेक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमें न्यू प्रोजेक्ट मिल गया है ग्वालियर में और हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है 16 नवंबर से। जी हाँ दोस्तों, आज है 16 अगस्त, तो आज हमारी जो है नींव रखी जाएगी उस प्रोजेक्ट में और हम उसी के बारे में आपको बताएंगे पूरी इस वीडियो में। और जो भी मेरी आगे वीडियो आएंगी पूरा इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चलेगा। इसी के साथ साथ और भी वीडियो अपलोड होंगी और आपको सारी वीडियो जो मेरे प्रोजेक्ट के बारे में है वो सब आपको इसी मेरे चैनल पे मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक कर जरूर करना और सब्सक्राइब करना वीडियो देखने से पहले। और अभी आज है हमारा भूमि पूजन 16 अगस्त को, तो आज भूमि पूजन करेंगे हम। और थोड़ा जो हमारा प्रोजेक्ट है वो मिशनरीज कंपाउंड का है, तो वहाँ से हमारी जो ब्लेसिंग होती है जिस तरीके से, उस तरीके से प्रेयर ब्लेसिंग ये सब होगी। उसके बाद आपको फिर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 16 नवंबर से चालू होगा। थोड़ी मीटिंग वगैरह है तो उसी के बारे में डिस्कस होगा प्रोजेक्ट के बारे में। तो प्रॉपर तरीके से हमारा जो प्रोजेक्ट है, साइट है, वो 16 नवंबर से चालू होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आप सभी के साथ मिलकर। तो दोस्तों अभी वो आ गए हैं साइट पे और यहाँ लेआउट का तैयारी चल रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी मेज़रमेंट वगैरह लिया जा रहा है। उधर देखिए रस्सी भी खोली जा रही है जिससे हम आज जो भूमि पूजन है उसके लिए एक गड्ढा खुदवा सकें और नींव रखवा सकें। तो अभी उसी की तैयारी चल रही है। अभी JCB वाले को भी फ़ोन कर दिया है, JCB भी आ रही ही होगी। ऐसा हुआ है मेरी कुछ वीडियोज़ डिलीट हो गई हैं दोस्तों भूमि पूजन की, तो मैं आपको शॉर्ट में दिखाऊँगा। तो अभी ये हो गई मेज़रमेंट, अभी घास वगैरह कटेगी। तो दोस्तों JCB आ गई है और ये गड्ढा खुदना चालू कर हो गया है। तो अभी ये एक ही गड्ढा खुद रहा है 6 फीट का अभी इस साइड, तो उसी में भूमि पूजन होगा। और जो यहाँ इनकी परंपरा होती है मिशनरीज की, तो उसी हिसाब से होगा। यहाँ प्रेयर वगैरह भी होगी तो उसी का हम अरेंजमेंट कर रहे हैं सब। अभी तो ये पूरा गड्ढा खुदेगा 6 फीट तक, उसके अलावा उसके बाद इसे स्लोप प्रोवाइड की जाएगी जिससे लोग उतर सकें आराम से। दोस्तों हुआ ऐसा है कि अभी ये पानी निकल आया है ज़मीन में, करीबन अभी 4 या 4.5 फीट खुदा है, उसके बाद ये पानी निकल आया है। तो अभी और खुदेगा, अभी हमें ये भी नहीं पता कहाँ से आ रहा है पानी। लोग यहाँ जो रहते हैं वो बता रहे हैं कि इधर एक पहाड़ी है उसमें बारिश का पानी आता है, तो वही पानी आ रहा है जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ। देखिए वो ऊपर पहाड़ी है तो यहाँ बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ से रिस के आ रहा है, ऐसा लोग बता रहे हैं जो यहाँ रहते हैं। हमें भी खुद नहीं पता, हमें तो ये भी नहीं पता था यहाँ पानी आएगा। और सबसे बड़ी बात ये फिलिंग की गई हुई है। दोस्तों अब ये जो गड्ढा है जिसमें से पानी निकाल लें इसमें रखा जाएगा टाइम कैप्सूल और इसी में नींव भरी जाएगी। तो अभी उसी की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी पानी भर गया है दोस्तों। अभी तो ये थोड़ा निकाल दिया गया है। देख रहे होंगे आपके कितना पानी भर गया है। और ये पता भी नहीं चल रहा पानी कहाँ से आ रहा है। तो अभी ये खाली हो गया है। पूरा नीचे से पानी आ रहा है दोस्तों, और अभी पापा ने मना कर दी कि मिट्टी नहीं डालें। ये देखिए पूरा नीचे से ही पानी आ रहा है। तो दोस्तों फिलहाल हो गई है यहाँ प्रेयर शुरू, अभी ब्लेसिंग वगैरह हो रही है और नींव रखी जा चुकी है। देखिए पीछे लेबर जो है वो सीमेंट ला रही है। हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है आज यहाँ, और गर्मी भी काफ़ी है, लेकिन इस हवा की वजह से थोड़ा वेदर सही है। ये देखिए सीमेंट वगैरह दिया जा रहा है क्योंकि इसमें रख दिया गया है कैप्सूल, टाइम कैप्सूल इन लोगों का। और यहाँ जो आए हैं वो बिशप आए हैं, जी हाँ वही यहाँ प्रेयर कर रहे हैं। और जो हमारे पुराने बिशप हैं वो भी आए हैं, और जो हमारी ये वीडियो जो शूट कर रहे हैं वो हमारे पुराने टाइल्स के मिस्त्री हेमंत भैया, तो वही ये वीडियो शूट कर रहे हैं।
और जो यहाँ हमारी हेल्प कर रहे हैं वो पुरानी लेबर है, हमारी जो पुरानी साइट पे थी उनका नाम पुष्पेंद्र भैया और उनके लोग साथी हैं, वही हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो प्लेयर वगैरह चल रही है तो उसी का सब यहाँ हो रहा है। और देखिए गड्ढे में पानी देखा जा रहा है कि कितना भर गया है। ये सबसे बड़ी टेंशन होती है दोस्तों साइट पे कि अगर कोई भी मुसीबत आ जाए तो उसका अरेंजमेंट करना पड़ता है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अभी तो एक ही गड्ढा खुदा है, अभी ये पूरा एक। तो दोस्तों अभी ये 130 फीट लेंथ और 27 फीट वेट इसकी ऐसे ही गड्ढा खुदेगा। और अभी बताते हैं कि अभी ये एक ही गड्ढा खुदा है 6 फीट गहरा और उसमें भी पानी निकले आया है। तो दोस्तों हमारी सक्सेसफुली प्रेयर हो गई है और अभी हो गया है मिठाई का बांटना शुरू। और अभी काफ़ी उस साइड जो हिली एरिया है उस साइड भी अभी हमारी एक्सकवेशन वर्क चालू होगा बहुत ही जल्दी। जैसा कि 16 तारीख को मैंने बताया कि उस डेट को हमारा एक्सकवेशन वर्क चालू हो जाएगा। अभी तो वो कुछ डिस्कशन वगैरह हो रहा है यहाँ कि कैसे वर्क चालू होगा, कब होगा, डेट वगैरह डिसाइड हो रही है। और आज फाइनली हमारा इतना वर्क हो गया है कि भूमि पूजन सक्सेसफुली अच्छे से हो गया है। थोड़े बहुत प्रॉब्लम आई है पानी की, तो वो अभी आगे देखेंगे कैसे हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। और पहले दिन ही एक नई प्रॉब्लम आना कोई बड़ी बात नहीं है, कंस्ट्रक्शन लाइन में ये तो चलता रहता है। और अभी यहाँ सभी खुश हैं। शुक्रिया दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और भी वीडियोज़ अपलोड होंगी काफ़ी सारी, तो अभी तो धीरे धीरे वीडियो बन रही हैं तो आपको उसको देखने के लिए आपको मेरे चैनल पर बना रहना पड़ेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अगर कुछ कमी लगे तो कमेंट करके बताइएगा और अपने सजेशन भी दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों आप लोगों के सजेशन की भी बहुत ज़रूरत है, तो बनिए रहिए मेरे चैनल पर। चलिए टाटा बाय बाय।